हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। ग्रेविटेशन में कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो एक्चुअली हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार शुरू में भी ये बात बताया हूँ कि ग्रेविटेशन वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, कम पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो। जनरली दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो, ये कहता है इसके वेलोसिटी ऑफ स्पीयर ऑफ मास m और रेडियस r, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस, तो इसके वेलोसिटी ऑफ स्पीयर मास m गिवन बाय। अब देखो, एक स्पीयर है अर्थ से, हमने ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से हमें एक स्पीयर m मास के स्पीयर को स्केप कराना है और अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ की रेडियस दी हुई है। तो हम सबको पता है कि पढ़ के आए हैं कि जो इस्केप वेलोसिटी होती है, इस्केप मतलब क्या होता है कि जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचा देना है, ठीक है। इस्केप, अगर मैं इसको भी वेलोसिटी से फेंकता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो मेरे पास सिर्फ तीन कंडीशन है। एक तो मैं इस्केप वेलोसिटी से कम फेंका तो वो धरती पर वापस आ जाएगा, एक इस्केप वेलोसिटी के बराबर फेंका तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी को, जस्ट पहुंच जाएगा, वहां आराम करेगा, उसकी काइनेटिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। एक मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंक दिया तो ये इन्फिनिटी पे जाके भी घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो होगी पर इन्फिनिटी पे जाके मौज करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुझे एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो इसके वेलोसिटी इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें पहले से पता है। डायरेक्ट हम रट लिए हैं इसके वेलोसिटी की फार्मूला, जी एम मास ऑफ द प्लैनेट रेडियस ऑफ द प्लैनेट टू अंडर रूट ए। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं। ये आपको क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है।